अभी हाँ इनका तो इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता भाई। क्यों? वो हीरो है। हीरो है? क्या किया है हीरो? हीरो वाला क्या काम कर दिया? पहले तो वो हीरो क्यों है बता, आपको बताऊं वो क्यों है? क्यों हीरो है? वो इसलिए हीरो है कि वो गुजर है, नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि वो पाकिस्तान का एक हीरा बंदा है। हीरा बंदा, लेकिन उस हीरे बंदे को नजरबंद किया हुआ है, फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने नजरबंद किया हुआ है। वो मतलूब है जो इंडियन लोग इधर आके दहशतगर्दी करते हैं, वो लोग हमें दें ना, फिर आफिस सईद की वो लोग बात करें। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो कर देगी हैंडओवर? नहीं करना चाहिए, पाकिस्तानी क्यों करेगी? पाकिस्तानी हमारा बशिंदा है यहाँ, पाकिस्तानी अगर कोई तसाब करना है तो पाकिस्तानी अपनी कौम करे ना, दूसरा मुल्क क्यों कर? माय ओपिनियन, हाफिज सईद इज अ गुड मैन। गुड मैन? वो इंडियन मीडिया कह रहा है ना, हाफिज सईद तो एक खिदमत दखल खराब हो जाए। मतलब ओसामा बिन लादन का आपको केस का याद है ना? ओसामा बिन लादन, जी जी। वो केस इसी तरह खराब हुआ ना कि वो ओसामा बिन लादन फिरता रहा, ऐसे किसी ने उसकी पैसे लिए, मुखबिरी की अमेरिका, रात को आया। आपको लगता है कि ओसामा बिन लादन ठीक था? मैं तो कहता हूँ हर वो मुसलमान ठीक है जो अल्लाह की राह पे जिहाद करता है। मैंने कौन सा अमेरिका से लेके खाना भाई? हाफिज सईद इंडिया का बहुत मोस्ट वांटेड टेररिस्ट और पूरी दुनिया में आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान का हीरो है। पाकिस्तान के लोग उसको हीरो मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं, हीरा मानते हैं। छोटे छोटे बच्चे हाफिज सईद जैसा बनना चाहते हैं। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, इंडिया ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से डिमांड करी है आप हमें हाफिज सईद दे दीजिए, आपके पास हमें पता है। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारे बीच में कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है कि हम उसको आपको दे दें। फिर पाकिस्तानी लोगों के क्या रिएक्शन है, वो उसको अपना हीरो क्यों मानते हैं, चलिए वीडियो में देखते हैं। हाफिज सईद जो है इंडिया डिमांड कर रहा है कि हमें हाफिज सईद चाहिए। कब कर रहे हैं आप? इंडिया न्यूज लेटेस्ट है। हाँ जी, कब की है? सईद चाहिए। कब की न्यूज आई? ये अभी एक दो दिन पहले आई है। अच्छा, हाफिज सईद का तो इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता भाई। क्यों? वो हीरो है। हीरो है? क्या किया है हीरो? हीरो वाला क्या काम कर दिया? पहले तो वो हीरो क्यों है बता, आपको बताऊँ वो क्यों है? क्यों हीरो है? वो इसलिए हीरो है कि वो गुजर है। गुजर है? हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं दूसरा सुनो ना। अच्छा, गुजर है, हीरो है, लेकिन फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उन्हें नजरबंद क्यों किया हुआ है? मैं बताता हूँ, ये इसलिए नजरबंद किया हुआ है कि वो चाह रहे हैं कि ये बात ज्यादा ना खराब हो जाए। मतलब ओसामा बिन लादन का आपको केस का याद है ना? पता ना, वो केस इसी तरह खराब हुआ ना कि वो ओसामा बिन लादन फिरता रहा, ऐसे किसी ने उसकी पैसे लिए, मुखबिरी की अमेरिका, रात को आया। ओसामा बिन लादन ठीक था? मैं तो कहता हूँ हर वो मुसलमान ठीक है जो अल्लाह की राह पे जिहाद करता है। मैंने कौन सा अमेरिका से लेके खाना है भाई? मेरी मोहब्बत तो मेरा पाकिस्तान, मेरी फौज है, मेरी। ओसामा बिन लादेन को तो टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। वो तो कुछ भी हो सकता है, हम अपने मुल्क में बंदों को टेररिस्ट कह देते हैं, ये बात तो यहाँ पे आप तो दो मिनट में गलत काम करोगे, आपको 780 लगा के। अच्छा, हाफिज सईद कह रहे हैं कि 26/11 के अटैक में इन्वॉल्व थे, वो कह रहे हैं। हाँ जी, इंडियन मीडिया कह रहा है। इंडियन मीडिया कह रहे हैं ना, वो इंडियन मीडिया कह रहे हैं ना, हाफिज सईद तो एक खिदमत खल्क वाला बंदा जी, और वो सही हमारा जो लीडर भी कह लें उसको, सलाम का लीडर कहें आप। अच्छा, उनके बेटे जो है वो इलेक्शन में आ रहे हैं? बिल्कुल आना चाहिए, मेरे ख्याल में आना चाहिए, बिल्कुल आ जाइए और मिलके इलेक्शन लड़ना चाहिए और मिलके हर काम करना चाहिए, ताकि ये ऐसा बंदा भी तो होना चाहिए। अच्छा, इंडिया सिर्फ ये कह रहा है कि हमें आप हाफिज सईद है, हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है। हाफिज सईद है, मुझे कहता तू हमें नरेंद्र मोदी देना, हम इसको इसकी जगह जूती मार के करेंगे इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन। पीएम है तो क्या हुआ? हमारा पीएम नहीं है। ओ भाई, वो पीएम है तो हमारा तो भाई है ना वो। लेकिन बात सुने, हाफिज सईद पे इल्जाम लगे हैं, तो मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, नरेंद्र मोदी करा रहा है, पाकिस्तान ने करा जी, रॉक करवा रही है, ब्लैक वाटर करवा रही है अमेरिका की एजेंसी, फिर हम कौन मान लेगा? अच्छा, मैं कह रहा हूँ तो ये क्या किसी के कहने से अब वो मुजरिम हो गए? हाफिज सईद ने किया क्या, अच्छा क्या काम किया? हाफिज सईद ने बहुत सारे अच्छे काम है, आप उनकी सेहत के अगर डिपार्टमेंट में देखे, जो उनका वो जो लश्कर तैयबा का सारा वो है नेटवर्क जामिया का, वो सारा देखिए आप, आपको पता लग जाएगा वो कितने तलीमी इदारे चला रहे हैं, कितने लोग वहाँ से 10 बच्चे पढ़ के वो हाफिज़ कुरान पढ़ रहे हैं, कितने फलाही इदारे चला रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान हाफिज़ सईद जो है हैंडओवर कर देगा? कभी भी नहीं, हमारी जान के पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैंडओवर कर देगी? नहीं यार, पाकिस्तान गवर्नमेंट बहुत प्यारी लोग हैं, प्यारे लोग हैं, क्या हो गया, हमें अपने आप आपस में लड़ी जा रहे हैं यार। अच्छा, क्या हो गया हमें, ये लगे ना आप हम क्या करवा रहे जा रहे हैं, हम आपस में लड़ी जा रही है, चाहिए तो चला की अब नई खरबली में जाती है, मुल्क में इलेक्शन आ रहे हैं, अभी नई माजत भेंगे, चलो जी ये फिर सारे इंस्टेबल हो गए, कोई गलत फैसला कर लेंगे, ऐसा नहीं होता, ये आपस सही हमारे अपने हैं, गलत है सही है, हम खुद फैसला करेंगे, हमारी अदालत नहीं है, इसलिए तो फैसला करेंगे, हमारी अदालत नहीं है। मुंबई में अटैक हुआ है, इसके अलावा रोज हमारे मुल्क में रोज अटैक होते हैं, नरेंद्र मोदी करवा रहा है, फिर रोज हो रहे हैं अटैक हमारे, नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं, हाफिज सईद नहीं देना, और सर जी हमारी जान जान है, वो जोहर टाउन में बैठे हुए हमारी जान है, हमारी जान है, में बैठे हुए हम लोग, देख ले सड़कों पे बैठे हुए हैं, हम सड़कों पे बैठे हैं, सड़कें छोड़े ये सब एक वो है जोहर टाउन, और सभी कुछ नहीं, मेरा डीएचए में घर है फेस फाइव में, क्या बात है फिर आपकी? हाँ, ये क्या बात हुई, मैं ये क्या बात हुई, ये घर बच्चे बुढ़े सब चीजें होती है, ये क्या बात हुई,
मेरे पास हर चीज दुनिया की, ये क्या बात, ये तो नियमत खुदाबंदी है। उनको उनके घर में ही नजर बंद किया हुआ है, हाउस जेल है उनको। जी जी, आप एक दिन में कर, आप तीन दिन घर में कमरे में रह सकती हैं? नहीं। तो फिर वो रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? क्या उनको कोई पापड़ी दही पल्ले मिल रहे हैं या जूस पी रहे वहाँ बैठ के? लेकिन भाई देखिए, एक और तरीका होता है, जेल एक बनी हुई है। जेल एक बनी रहा, जेल में भी नुकसान है ना उसको, वो मरवा देगा। पाकिस्तान में बहुत बड़े ऐसे ज्यादा लोग हैं जो पैसे लेके गलत काम कर देते हैं, यहाँ बिकने वाले भी हैं। हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन जेल जा चुके हैं। जा चुके ना, पॉलिटिशियन में और आपस सईद में फर्क है भाई। अच्छा, तो आप पॉलिटिशियन ना बनाए ना उसको, वो पॉलिटिशियन नहीं है, नवाशी मतलूम है अमेरिका को, नवाशी मतलूम है। जी, हमारे पॉलिटिशियन जो है वो और चीजें हैं, वो तो और चीजें हैं। आपस सईद के साथ को तो हमारे पॉलिटिशियन की इज्जत बन गई है, बड़ी इज्जत है। नवाशी की कितनी इज्जत है? अच्छा जी, कितनी इज्जत है? सरदारी कितनी इज्जत है? तभी चले जी, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अनीस। क्या करते हैं? हम डायलिसिस टेक्नीशियन। अच्छा, हाफिज सईद, जानते हैं आप हाफिज सईद? जी, हाफिज सईद को जानते हैं। अच्छा, इंडिया जो है डिमांड कर रहा है हाफिज सईद का कि हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, कुछ अटैक्स हुए हैं तो हमें वो चाहिए, हैंड ओवर कर दें। क्या लगता है, सही कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सही कर रहे, नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि वो पाकिस्तान का एक हीरा बंदा है। हीरा बंदा, लेकिन उस हीरे बंदे को नजरबंद किया हुआ है, फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने नजरबंद क्यों किया हुआ है? इसके बारे में नहीं हमें पता, इसके बारे में नहीं पता, नहीं। बस आपको ये पता है हीरा बंदा है। जी, वो हमें पसंद है बस। अच्छा चले ठीक है, हीरा बंदा कैसे, पांच क्वालिटी बता दे, कुछ बता दे आप। वो मुसलमानों का सरफ़खर से बुलंद कर रहा है। क्या कहता है, क्या कर रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में कर रहा है? हाँ जी, कौन से डिपार्टमेंट में? ये भी नहीं पता हमें, ये भी नहीं पता। तो आपने बोला है हीरा बंदा है, वो जमात दावा का अमीर है। ठीक है, जो भी है, कर क्या रहा है, कर क्या रहा है? वो जिहाद को लीड कर रहा है। जिहाद को लीड कर रहा है, कितना लीड कर रहा है जिहाद को? इराक में, पाकिस्तान में होते वो इराक में लीड कर रहा है। हाँ, पाकिस्तान में होके इराक में लीड कर रहा है। क्या बात है भाई, क्या बात है। आपकी इन्फॉर्मेशन मुझे लग रहा है थोड़ी सी कम है, आप बैठे थोड़े आर्टिकल्स पढ़े, रिसर्च करें और फिर वापस आपसे इंटरव्यू लूंगी, ठीक है? हम फिर भी उसे लव करेंगे, लव करेंगे। चले जी, शुक्रिया। हाफिज सईद जो है, इंडिया डिमांड कर रहा है कि हमने इन्वेस्टिगेशन करवानी है, तो आप हमें हाफिज सईद हैंड ओवर कर दें। न्यू दिल्ली ये कह रहा है, न्यू दिल्ली की गवर्नमेंट क्या कहना चाहेंगे, करना चाहिए हैंड ओवर? वो ये है कि जो हम, तो भाई क्या बोलूँ पाकिस्तानियों को, भाई इतना गुस्सा आ रहा है मुझे इनको देख करके भाई, कि एक आतंकवादी को ये लोग अपना हीरो मानते हैं, उसको हीरा मानते हैं, और पाकिस्तान ने भाई उसको मतलब सजा, मतलब क्या बोलूँ, इतनी सारी फैसिलिटी दे रखी है भाई। और जैसे कि लादेन था भाई, पाकिस्तानी बोल रहे, पहले तो पाकिस्तान बोलता था हम लादेन को नहीं जानते, लादेन हमारे घर में घुसा, हमें नहीं पता। लेकिन अब पाकिस्तान की पब्लिक बोल रही है कि भाई लादेन जो है ना, वो हमारा ही बनता था, हमने उसको छुपा के रखा, लेकिन हमारे ही किसी गद्दार ने उसकी मुखबरी कर दी और हमारा उसको ख़त्म करवा डाला। तो भाई देखो, पाकिस्तानी इस बात को कबूल कर रहे हैं दोस्तों। ये है भाई सबसे गंदी सोच इन पाकिस्तानियों की, और यही है इनके विनाश का कारण, यही इनके नाश का कारण बना हुआ है कि ये इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, किसी पढ़े लिखे तबके को सपोर्ट नहीं करते, पढ़े लिखे लीडर को सपोर्ट नहीं करते भाई। ये उस लीडर को सपोर्ट करते हैं जो काफिर का नाम लेकर के दूसरे लोगों को मार डालते हैं, उन पर हमला कर देते हैं और अपने इस्लाम का प्रचार करते रहते हैं। और इस्लाम की आड़ में ये लोग कैसे जिंदगियों से खेलते हैं, कैसे जो है मजे लेते हैं दूसरों की जिंदगियों का, आपने वीडियो में देख लिया भाई। और कसम से भाई, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी भविष्य में तरक्की कर पाएगा अगर इन जैसे लोग, इन जैसे पाकिस्तानी जो है इन टेररिस्ट को सपोर्ट करते रहेंगे। दोस्तों, हाफिज सईद एक बहुत बड़ा आतंकी हमला, और मुमताज़ होटल पर बहुत सारे जो आतंकी हमले इंडिया के अंदर होते हैं उसमें उसका हाथ होता है, और ट्रेनिंग देता है उनको बाकायदा, बहुत फिल्में बनी हुई है यार। और एक पाकिस्तान का बच्चा उसको हीरो मानता है, और उसको हीरो बनवाने वाले कौन है? पाकिस्तान के खुद के लोग, उनकी गवर्नमेंट, उनके बड़े आदमी, जो कि भाई एक आतंकवादी को अपना हीरो बनाते हैं। और जो छोटे बच्चे भाई, वो पढ़े लिखे नहीं, वो आतंकवादियों को अपना जो है कि हीरो मान करके उसी राह पर चलने लगते कि भाई इनको इतना फेमस मिल रहे तो हम भी इतने फेमस हो जाएंगे। इतना आसान तरीका है, सीखो और दूसरे देश में पहुँच जाओ जाने लेने के लिए। हाफिज़ सईद की जो डिमांड करी इंडिया ने, भाई पाकिस्तान मना कर रहा है कि हम तो नहीं देंगे, हमारी कोई ट्रीटी नहीं हुई है। तो आपकी क्या राय है भाई इन जाहिल पाकिस्तानी की सोच के ऊपर, जो उसको हीरो मानते हैं, एक आतंकवादी जिसने लाखों लोगों की जान ली है? तो अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा भाई। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।